क्या होने लगे आज? मेकअप कौन सा? हेलो नहीं कह रहा, कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज आप लोगों की जो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड और सबने कहा है कि मरियम से, मरियम का जो है वो मेकअप का वीडियो बनाएं, तो मैंने कहा कि आज मरियम के बहुत सारे मरियम वो मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लगाए हैं, मेरा मेकअप भी करना है एक दफा, ठीक है, और बगैर मिरर के भी मेकअप कर लेंगे। वो हमारा बहुत सुपर हिट था। हाँ, वो याद है? हाँ, मैंने अपना रेड लिपस्टिक लगाई, इतनी ऑन पॉइंट लिपस्टिक ये मैंने। वो हम तीनों बैठ के कर लेंगे, और आमना का भी एवरी डे ऑफिस मेकअप है। आमना ठीक है, आमना क्या करती है एवरी डे ऑफिस मेकअप? मैं ओनली कंसीलर, एक और कंसीलर, ब्लश, एक लिपस्टिक, आईब्रोज, आईलैशेस, आईलाइनर और बस। टू बिगिन में मैंने मुंह धोया है और मैंने मुंह धोया है और मॉइस्चराइज किया। प्राइमर नहीं लगाया, लेकिन फाउंडेशन के मैं हाफ वे थ्रू थी, सो अब फिर हमने कहा कि हम मेकअप ट्यूटोरियल। हाँ, जब फाउंडेशन लगा ली तो मुझे ख्याल आया कि मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर लूँ, तो फाउंडेशन बता दें कौन सी वाली लगाई। फाउंडेशन मैंने ये लगाई है, इसका ढक्कन मुझे नहीं मिल रहा बिकॉज अभी हम ट्रेवल कर रहे थे, तो ट्रेवल करने का मतलब ये ढक्कन घूम जाए। फेंटी ब्यूटी शेड 210 मैंने भी यूज किया हुआ है, अच्छा है। yeah. और इस वीडियो को चार चांद, एक चांद लगा लेकिन चार लग लिटरली एवरीवन सेज के चार चांद मैं लगाती हूँ वीडियो। सर नहीं, तीन चांद ये है और एक चांद जो है वो मुजीब है, जो अभी मेरे ख्याल में नमाज के शादी नमाज पढ़ रहे हैं। नहीं, इड्डी के साथ बैठ के वो बन्नू की सहेली वाली वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, मतलब उलट। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और मेरी दफा गर्म पानी खत्म हो गया, तो माँ आप ही साथ साथ मेकअप। सच बोलना चाहिए यार, सांच को कहते हैं ना आंच नहीं जो बात है, पता नहीं इसका क्या मतलब था, लेकिन ये बिल्कुल गीजर की आंच बढ़ेगी, गर्म पानी आएगा तो मामा भी नहा लेंगे। आप लोग मुझे बहुत गालियां देंगे, लेकिन ये कैमरा टेढ़ा है। लेकिन हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, इसको यूं कर दें तो गाइज, या तो फिर हम यूं हो जाए थ्रू आउट, या फिर हम बंद करते हैं और इसको फिर बंद नहीं करें, नहीं फिर बंद। अच्छा चलो, बन्नू की सहेली। अब हम कंसीलर लेंगे, ये मेरे से ज्यादा लाइक दो शेड्स डार्कर है, 20 है। मैं 15 यूज करी थी, पता नहीं मैंने 20 क्यों लिया इस बार, लेकिन अब हम ये करेंगे, अंडर आई कंसील करेंगे। ये इतना पुराना जो कि राना ने इंस्टाग्राम से कैसे चुराया है और अब लेके भाग रही है। वैसे मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिर तुम लोग कहोगे कि मामा बड़ी डीप बातें करती हैं, लेकिन जो एक हल्का सा डार्क सर्कल होता है ना, दिस शोज के एक बंदा में कितनी डेप्थ। लेकिन वो डेप्थ हमने रोज तो लोगों को नहीं दिखाई। वो पढ़ने लिखने वाला बंदा जो रात को बैठ के पढ़ता है या कोई शायरी करता है, या तो मरियम के बिल्कुल नहीं होने चाहिए, कुछ लिखता है या... मैं जेन्युइनली नहीं आ रहा, मुझे दुख हो रहा है कि एग्जाम तो खैर मेरा भी है। इतनी भी ओवर ना। अच्छा, इससे क्या होता है मरियम, ये बता दो। ये इससे ब्राइट हो जाती है अंडर आई। अच्छा। और अब मैं थोड़ा सा और ब्राइट कलर का कंसीलर लगाऊंगी ताकि और ब्राइट हो जाए। यार आमना और मरियम प्लीज, इनके ये यहाँ पफी आईज होती है ना, जिनके ये नीचे ये सूजे सूजी हो जाती है आंखें, नींद ना पूरी हो, उसके लिए कोई चीज अवेलेबल है तो बताएं। पफी आईज के लिए? हाँ। अच्छा, मैंने सुना है कि लाइक देयर इज दिस न्यू थिंग जो लोग, जिसके अंदर ना पानी होता है वो फ्रीजर में रख देते हैं, वो फ्रीज हो जाता है, एंड देन यू लाइक पुट इट ऑन योर अंडर आई, जिससे पफीनेस खत्म। तो अगर उसमें आप थोड़ी कॉफी मिला लें तो और भी ज्यादा ये पफीनेस खत्म होती है और आपके डार्क सर्कल्स और डार्क हो जाएंगे और लगेगा आप बहुत डेप्थ में हैं। नहीं, वैसे कॉफी इज कैन बी, फिर आप शायरी भी शुरू कर दें क्योंकि मामा ने कहा है। कॉफी इज अ वेरी गुड टोनर बाय द वे, किसी भी स्प्रे वाली बोतल में पानी में कॉफी डाल के ठंडी करके स्प्रे करें, आपके पोर्स बंद हो जाते हैं। अच्छा, कंसीलर लगा लें और फिर कंसीलर के बाद यूजुअली मैं करती हूँ आईब्रोज। आप लोग क्या करते हो कंसीलर के बाद? कंसीलर से पहले करते हो आईब्रोज? मैं आईब्रोज करती नहीं हूँ because I have perfect eyebrows. Yeah, my eyebrows aren't bad, but I like really dark, like they are pretty bad. मैं eyebrows करके ना lips को line कर लेती हूँ ताकि मुझे हौसला हो जाए कि कुछ face बन गया। हौसला का घोसला? या मेरे बाल भी अच्छे लग रहे हैं, पता है? बहुत अच्छे लग रहे हैं मरियम। ये तारीफ जब करानी होती है ना, जैसे मामा कहती है मुझसे खाना बिल्कुल नहीं अच्छा बना, और इतनी शाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रात को मरियम ने मुझसे करवाई थी मसाज कोकोनट ऑयल की। मैंने खुद की थी, माँ ने की थी, खुद मैंने की थी। मेरी तो मैं बड़ा, मैंने नहीं किया इतना, खुद ही की है बचपन में। अच्छा हाँ, वैसे मामा ने जो अपने खाने की तारीफ करवानी हो ना यार, ये प्रोडक्ट्स आप यहाँ तो बताएं या नीचे लिखें। मैंने बता रही हूँ,
साथ साथ मेबेलिन का कंसीलर था फिट मी कंसीलर शेड 20। फर्स्ट लिए मैं यूज करती हूँ अनस्तासिया बेवरली हिल्स का डिप, ठीक है, और साथ ही उसके साथ मॉर्फी का एंगल ब्रश यूज करती हूँ आईब्राउज करने के लिए। बेटा आ रहा है, अब ब्लॉग बननी ना जाए कहीं। आमना के बेटे, अरे मां छट गया। ये अनस्तासिया बेवरली हिल्स का डिप ब्राउ है और साथ मॉर्फी का एंगल ब्रश है M165। उसे हम कलर ब्लैक से डार्क ब्राउन, आई थिंक डार्क ब्राउन है, और इसको मैं इससे मैं अपनी आईब्राउज शेप करूंगी। मैं बहुत डार्क करती हूँ आईब्राउज, व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक, ठीक है, बट मैं तो करती हूँ। पानी गरम, मेरा हीरो आए, मेरा हीरो देखे, अब लगे ना चार चांद। जेंटल, नो जेंटल, इब्राहिम जेंटल, जेंटल मेरा बेबी, एक पारी दे दो। मरियम, इसका कर्व शर्व कैसे बनाती हो? मैंने बस इसको फिलिंग किया है और आर्च पे थोड़ा सा डार्क कर दिया। अच्छे लग रहा है ना, नाइस। यूजुअली मैं इससे भी ज्यादा डार्क करती हूँ, मैं जेंटल कंसीलर से ना उसको कार्व करती हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं कर रही क्योंकि वो बहुत काम होता है, उसकी मैं अलग से ट्यूटोरियल बना के दिखा दूंगी। वो व्लॉग करेंगे ना, उसमें आप जो मेकअप कर रही होगी मैं आपको कॉपी करके खुद कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है ना। मैंने मेकअप के बहुत सारे सोचे हुए हैं, आमना कह रही थी फिर तो लोग बोर हो जाएंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि फिर वो इतने सारे मेकअप के करें या एक ही करें। आमना, आई थिंक दिस इज फाइन राइट, माय आईब्रोज, छिटके जाए माँ छिटके। अच्छा फिर ये करने के लिए मैं तुम अगर मेकअप कर रही हो तो लॉरा मर्सिए का पाउडर यूज करूंगी, ट्रांसलूजन पाउडर, और इसको थोड़ा थोड़ा बस ब्रश पे लेके किसी भी ब्लश ब्रश पे लेके इसको थोड़ा सा करके तो अंडर आई को मैं बेक नहीं करती प्रॉपरली, सिर्फ अंडर आई को। समझ गई हूँ ये प्रोडक्ट क्या है, ये लॉरा मर्सिए का ट्रांसलूजन पाउडर है, ठीक है, इससे थोड़ी सी ग्लो भी आ जाएगा। नहीं ये बिल्कुल मैट वाला है, मैट का मेरे पास, मुझे याद है आपके पास वो था ग्लो वाला, लेकिन मेरी स्किन ऑयली है तो मैं मैट वाला यूज करती हूं, ठीक है, ठीक है, ओके। और फिर चांद हो या आफताब हो, अच्छा अब भी मामा मैं कौन सा गाना गाती थी जो पाकिस्तान में होते थे हम, चन्ना मेरे, नहीं नहीं वो नहीं, रोना शुरू कर मेरा वो वाला, तुम आए तो आया। मरियम, सारे लोग कहेंगे मरियम ओवर है, ओहो मरियम, हम सारे इतने अरसे के बाद, और आप लोग भी खुश हैं तो लेट्स बी हैप्पी। अच्छा फिर मैं स्मैश बॉक्स का कॉन्ट्रो पैलेट यूज करूंगी। इस स्मैश बॉक्स को आपने फिर बाद में स्मैश कर देना दीवार के साथ, नहीं प्लीज ऐसे ना करें, अब मैं ओवर हो रही हूँ थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा। हम सारे ना फैमिली वाले, हम सारे फैमिली वाले ना टर्न्स लेते हैं। यार मरियम जब आपने ब्लॉग बनाना था तो अपने इंस्ट्रूमेंट सीधे करके रखने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट में सर्जरी करने लगी थी ना कार्डियक सर्जरी। अच्छा अब मैं स्मैश बॉक्स की जो कॉन्ट्रो पैलेट होते हैं उसके साथ ये देखे जी, आहा हा हा, है ना मजेदार किस्म के वॉर्म से, और इसमें नथिंग कैन गो रॉन्ग, जो भी जैसे भी लगा ले, मैं तो उंगलियों से लगाती हूँ, मजे आ जाते हैं। और अब आप इससे कंट्रोल करेंगे अपनी चीक बोन्स, तो आप आपकी जो भी चीक बोन्स है ना उनको लोकेट करें और उसके बिल्कुल नीचे डार्क ब्राउन ऐसे, ठीक है, और ये लाइन नहीं छोड़ी, इसको फिर ब्लेंड करेंगे हम, ठीक है, वेरी नाइस, ओहो हो समझ आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। देखे इससे अब मेरा फेस जो है उसकी एक शेप बन जाएगी, जितना आपने पकौड़े समोसे खाए हुए होते हैं वो इससे छुप जाते हैं और फूले हुए मुंह जो है वो आराम से वापस अपनी जगह पे आ जाए। तो आप लोग पकौड़े समोसे खाएं और फिर कॉन्ट्रोल कर लें यार, जिंदगी आसान है, मजाक कर रही हूं। कॉन्ट्रोलिंग का मेरा तरीका ये है कि मैं इस एंगल ऑफ माउथ से और कान के बीच में लगाती हूँ और एयर में रख के लगाती हूँ, तो वो खुद ही डिफ्यूज भी होता है। अब लुक एट दिस चीक एंड लुक एट दिस चीक, माय गॉड सच अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तुम बैठ के मुझे क्यों डिस कर रही हो? अच्छा जी आमना चलो हम कोई गाना गा लेते हैं।
वो गाओ ना yeah. रात फैली है तेरे और इसकी स्टोरी भी सुना मरियम सुना दो स्टोरी आप पूरी दुनिया को सुना चुकी है। आमना ने कल बैठ के जैन के सामने मेरा पूरा बचपन एक्सपोज किया है तो उसमें से एक स्टोरी इसको याद आ गई है जो अभी पूरे घर को पूरी दुनिया को सुनाएगी। एक टाइम एक जमाना आया कि स्कूल की तरफ से कोई म्यूजिक कंपटीशन था और मरियम ने कहा कि मैंने जाना है उसमें हिस्सा लेना है और गाना क्या है रानी है तेरी सुरमैया चल की तरह मतलब लाइक बहुत मुश्किल गजल वो भी हमारी लेजेंडरी जो हमारी थिंग इज मैं सिलेक्ट हो गई थी जिसका मतलब है कि प्रॉब्लम है अच्छा ही गाती हूँ जी। बड़ा समझाया कि पुत्र ऐ काम नहीं करना ते असी कदी गाने वाने नहीं गए लाहौर जाके वो भी लाहौर जाके बड़ी मुश्किल से मेरी बच्ची को समझ लेकिन ये है कि मरियम में टैलेंट है तो जो चीजें वो कर सकती है करे बिकॉज यू लिव ओनली वंस और मल्टीटास्किंग करने में जिंदगी बहुत छोटी है यार और काम जो मर्जी करे और जो अच्छा काम है आपके दीन के दायरे में है कर ले क्योंकि आप पोटेंशियल बहुत होता है एक इंसान में बहुत कुछ करने। मरियम गा के दिखाओ ना तो पूछते हैं यार मैं प्रॉपर रियाज करती थी सुन ले मेरी बात। रियाज कौन है मैंने मामा पिछले से कहा था कि कंट्रोल में नहीं है लगा। मैं प्रॉपर रियाज करती थी अमरूद जैन जरा आके देखना ही क्या कह रही है प्रॉपर अमरूद कांडी प्रॉपर अमरूद कैंडी का आके यार गोभी और एप्पल पसंद थे ना तुम्हें अमरूद कैंडी से क्या होता है आवाज को मामा या आमना बहुत आपस में गाना गाना चाहती है प्लीज अमरूद कैंडीज खाएं मामा या आमना आपस में खुल जाते हैं ओ रियली नहीं आमना खान एमडी मामा या आमना बहुत ओवर हो रही है इसको अंदर भेजो इसका स्लैप टाइम है अब क्या चल रहा है। अच्छा अब हमने कॉन्ट्रोल कर लिया मैं नाक कॉन्ट्रोल करूंगी ये ब्रश यूज करूंगी फ्लैट ब्रश लें ब्राउन शेड लें और अपनी नाक पतली कर दें क्योंकि बस और ये हैंडसम सा मुद्दा गोदी में लें पपियां करें कॉन्ट्रोलिंग हो जाएगी तभी मैं कहूंगी ये क्या बहुत अच्छा है मतलब मैं वैसे नहीं कह रही हूँ चलो मजाक तो काफी हो गया बट यार अब कॉन्टोरिंग की जरूरत होगी तो अच्छी करेगी ना उसके बगैर नहीं ओवरऑल सारा मेकअप बहुत अच्छा अब ना क्यों जलती हो क्यों हाँ। सड़ती है सबकी मुझसे मैं क्या करूँ अगर मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ सुंदरम कोई हक नहीं बात ये है कि इब्राहिम आईस तो माशाल्लाह मरियम क्या खा रहे हो वन इन अ मिलियन माशाल्लाह माशाल्लाह नजर ना लगी काम नहीं करती वैसे अब निकालो अब ब्लश नहीं अब हम आईज करेंगे ठीक है जो मेरा एवरीडे मेकअप होता है ना आईज का वो कॉन्टूर कलर वाला ही जो आपने ब्राउन यूज किया था ना वो ही ब्राउन आंखों पे लगा है लेकिन आपने सबको ये बताना है कि तुमने सिंपल मस्कारा लगाया हुआ होता है लेकिन लगता है कि तुमने ब्लश लगाई वो मैं बताती हूँ क्योंकि हम मस्कारे मैं तो लगाती हूँ तो मेरा तो मतलब ऐसे पूरी लेड पे लाइक ब्लेंड कर लें वो से बहुत नेचुरल इब्राहिम उधर जाके अलेक्सा उधर है अलेक्सा हु वाज इब्राहिम अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक यार मैं इसको सुला दूं ले जाके लेकिन आप लोग ऊंचा बोल रहे हैं ना आई एम ऑलमोस्ट डन मेनी अराउंड क्रिश्चियनिटी ट्रेनर ले आईलैश ट्रेनर ट्रेनर बराबर और ना बताऊं क्या करें आईलैशेस कर्ल करें कितनी हसी ऐसे करके ना 10 सेकंड होल्ड करें कोई भी मस्कारा जो इस तरह का होगा ना पतला लाइक शॉर्ट दैट मेक्स योर लैशेज लॉन्गर मेरी नेचुरली बहुत लंबी है लेकिन बहुत स्ट्रेट है तो कर्ल करके ये लगा के इब्राहिम नहीं ये अच्छा वो टेलीस्कोपिक था ये बेनिफिट वाला है
फिर मैंने भी और मैंने उनको बता दिया कि जो शॉर्ट ब्रिसल्स वाले होते हैं ना, कि मैंने भी वही लिए। आपने बैट का पैंग लिया? आई डोंट नो, आपने टेलीस्कोपिक लिया, बट दैट्स द सेम थिंग। अभी इसके ऊपर जो दूसरा कोट होगा वो उसी का होगा। सही है, ठीक है। कहती का तो भाग पे आ रहा था कि मैं ना नीचे जाऊं, यही फैल बहुत जोर से के। मतलब बर्फ में चलना जो है ना वो एक बड़ा टेक्टफुली करना चाहिए ना। जब मस्कारा लगा रहे हो ना तो उसको ऐसे 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 क्या करे, हाँ। तो इससे ज्यादा प्रोडक्ट लगता है और वो टर्ड होती रहती है और ज्यादा खुद ही वेरी। थोड़ा सा आईलाइनर लगाएंगे तो जब तक ये सूखता है आई एम गोइंग गो फॉर ब्लश। आप आईलाइनर नीचे नहीं लगाती? नहीं। अच्छा, आई लाइक खुली खुली आंखें। इन आंखों की डियोर का हम ले लेंगे ब्लश, ठीक है। ये मेरा बहुत फेवरेट ब्लश है। ओ यार आई लव दिस, ये वाला पिंक कलर नहीं मिलता, जहाँ जाओ पीच कलर है भाई, पीच best, कलर है भाई, ब्राउन कलर है भाई, पीच कलर। इसका कलर है रोज, ठीक हो गया। अब इससे हम एप्पल्स और फिर चीक्स पे सिर्फ लगाएंगे। अगर आप इधर लगाओगे तो आपका फुलर फेस लगेगा और जिस तरह वो एप्पल्स नहीं होते दो उस तरह लगेगा, और फिर ओवर हियर तो थोड़ी लिफ्टेड सी लुक आएगी। ये ब्राइटन अप कर दिया है ना, वाह। अच्छा गाइज, इफ यू वॉन्ट लाइक अ नाइस सनबर्न्ड लुक, जो सर्दियों में होना बहुत मुश्किल होती है, तो आई वुड सजेस्ट अपनी नाक पे भी ना थोड़ा सा। अच्छा अब हम लेंगे आईलाइनर। क्या हुआ? हाँ दिखा दो आईलाइनर। निक्स का फेल टिप इंक लाइनर, और वो भी लगा के आपके पास आते। अच्छा एक साइड का मैंने लगा लिया, दूसरे के लिए मैंने ऑन कर दिया ताकि आप लोग देख सके। मैं थोड़ा करीब आ जाऊं ताकि सो एवरीवन कैन सी। ये मैंने लगा लिया दूसरी आंख पे, मैं आपको दिखाती हूँ। बेसिकली विंग जो बना यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे अब आ रहा है, यहाँ पे इस तरह करके लाइन बनाए, ठीक है। एक और लाइन बनाए एंड कनेक्ट, ठीक हो गया। फिल ट्रायंगल को फिल करें, हाँ, और बाकी और बाकी आधी आंख पे इस तरह कर दे, समझ आई? हाँ। And then just play with it, जितना मोटा करना है जितना पतला करना है कर ले, whatever you want, जितना लंबा करना है ठीक है, बट ओवरऑल ये समझ आ गई। बिल्कुल ये यूज करूंगी हुदा ब्यूटी का। ये किसका ज्यादा अच्छा? हुदा ब्यूटी का पैलेट, विंटर पैलेट आई थिंक ये। हाँ और इसको ओहो अपना हाईलाइटर ब्रश तो नहीं भूलाई मैं, ये पिंक वाला लूंगी, थोड़ा सा ये वाला मिक्स ही कर देते हैं सारे। चलो एंड बिल्कुल जहां ब्लश है उसके अपर, वाह ठीक हो गया, वेरी नाइस, जस्ट फॉर लाइक अ सटल ग्लो। हाँ इससे भी बहुत फर्क पड़ता है ना। आई लव हाईलाइटर। या मी टू। मम्मा अगर कोई एक मेकअप प्रोडक्ट आपने पूरी जिंदगी लगाना हो तो आप क्या चूज करती? टू बी वेरी ऑनेस्ट लिपस्टिक। लिपस्टिक और मेरा बेबी। अच्छा यहाँ पे भी और थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा लें, ठीक है, और थोड़ा सा आंखों के अंदर भी लगा लें। चलो ठीक है, इससे भी आएगी ओपन सी लुक आ जाएगी, ओपन सी और बड़ी आंख का आंख बड़ी हो जाती है। या लगे कैमरे को देखिए। अच्छा मैक का यूज कर रही हूँ, मेरे पास भी यही है। हाँ ये हमने साथ ही लिया था। तो लिपस्टिक जो है वो मतलब मिट जाती है, लेकिन लिप टिंट जो है इट्स लाइक वाटर, इट स्टेज, और वो बिल्कुल ऐसे स्टे करता है और लाइक कलर दे देता है लिप्स को, और उसके कोई इतना टेक्सचर नहीं होता। वाह कलर बहुत अच्छा है ना। पर ये अभी मिल जाएगा? हाँ पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, यहाँ से लूंगी तो उसकी कोई नॉलेज मिल जाएगा कि जी ये चीजें हैं, ऑनलाइन भी मंगवाई जा सकती है। तो फिर आपने बस शर्त यह है कि मेरे साथ ही रहें।
ये अब मरियम ने अब हम लिप टिंट को थोड़ा सा वो हो गया उसका थोड़ा सा टेक्सचर है दैट आई डोंट लाइक. वाओ यू लुक अमेजिंग. लोगों ने भी बताना है कि कैसा लगा आपको. और ये तो एक ऑड से टाइम पे बैठ के हमने मतलब कोई इतना फॉर्मल नहीं है व्लॉग ये हमने आपको बता दिया है. लेकिन इसके अलावा हम और भी बहुत सारे मेकअप के मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ व्लॉग्स विद आमना एंड मरियम. तो बताएं कमेंट्स में कि मतलब व्हाट डू यू वांट अस टू डू आइडियाज दें. और क्या मरियम की मेरा गला नंबर है मेरी माँ क्या व्लॉग्स लाइक लास्ट क्लिक लूं फॉर अ शूट.